को सुविधा होती है लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में, समझाने में। लेकिन उनका वो मकसद नहीं है उनकी गरीबी को दूर करना, उनका मकसद ये नहीं है कि उनके विषमता को समाप्त करना, उनका मकसद है कि उनको वहाँ ठिकाना लगे ताकि अपने मकसद में वो कामयाब हो सके। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये सामाजिक विषमता है तो हमें दूर करना है, तो सरकार की दायित्व है। अगर आप नहीं दूर करेंगे तो फिर आप उनकी वो मदद कर रहे हैं तो विवादी। आपको ऐसा नहीं लगता बाबा जी की कहीं ना कहीं जब सरकार प्रयास करती भी है अगर मैं वही मैं कह रहा था कि इसलिए जब वहाँ प्रयास करते हैं तो वो इसलिए वो रोकते हैं। अगर वो विकास वहाँ हो जाएगी, वहाँ लोग मौके में आ जाएंगे, उनको लगने लगे नहीं सरकार यहाँ काम कर रही है, सरकार यहाँ कर रहे होता है, तब फिर उनकी वहाँ से पैर उखड़ जाएगी। इसलिए वो कोशिश करते हैं यहाँ किसी को आने नहीं देना। तो इसलिए सरकार के जो भी डेवलपमेंट सड़क का बन रहा है, स्कूल है या बाकी है, तो फिर उसमें से एक तो लेवी वसूल करते हैं ताकि काम नहीं हो सके ठीक से, फिर उस बात को वो बना सके कि हम सारे लोग करप्ट हैं। अगर आप कहेंगे जैसे हमारे जैसे लोग एक बार बोलेंगे भाई करप्शन अगर आप रखना चाहते हैं तो हम भी साथ देंगे, लेकिन आप करप्शन को वहाँ रोको खड़े होकर के, तो कहता है कि नहीं वो लोग अगर पैसा अफसर कमीशन ले रहे हैं, नेता क्या कहते हैं पैसा वसूल रहे हैं और तो हम भी ले भी लेंगे, तो ये आसान रास्ता। कहने का अर्थ यह है कि हमें इस बात को समझना चाहिए उनका मोटिव क्या है, तो उनके मोटिव को ध्यान में रख करके उन क्षेत्रों में विकास की गतिविधि को हमें बढ़ानी। अब उसके लिए अगर हमें वहाँ पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़े तो तैनात करनी चाहिए, जहाँ जहाँ अगर इस प्रकार के कमजोर सेक्शन है नहीं काम करने देना चाहता है, काम को हमें क्वालिटी पर काम पूर्ण काम होने चाहिए वहाँ पर। उन क्षेत्रों में जो अफसर्स है उनको पीपुल्स फ्रेंड से अफसर हमें बाहर करनी चाहिए, उनको सामाजिक दायित्व भी है उस अफसरों का, ये भी उनका निर्णय देनी चाहिए। हमें कई अफसरों पर आपको काम करनी पड़ेगा उससे, तो इसलिए हमने कहा कि पहले तो ये हमें समझना कि भाई उनकी मोटिव क्या, वो क्या करना चाहता है। आपने कहा कि वो लेवी वसूलते हैं या पैसा वसूलने का गिरोह है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। चूंकि वो पैसा उनको भी लगता है कि आंदोलन को चलाने में पैसे की जरूरत है, तो कहाँ से पैसा लाएगा, तो वही पैसा लूटता है, तो इसलिए वो लेवी का सहारा लेते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं। हर आंदोलन का एक मकसद होता है, उनके आंदोलन का क्या मकसद रह जाता है, सत्ता में पहुँचना, उनका भी एक तरह से बिल्कुल सिर्फ रास्ते अलग होते हैं, रास्ते अलग है। उनके आप बड़े लीडर से बात करेंगे, अंतिम आपका क्या है आपको बता देगा कि अंतिम उनका लक्ष्य है कि सर फिर हम आप पर नहीं आते हैं, प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में आपने कुछ उम्मीदें जगाई, कारण कुछ भी रहे कि उस उम्मीदों को आप पूरा न कर पाए हैं जनता की, फिर एक आप नए टेबल में सामने हैं जनता के साथ दूसरे रूप, पहले आपका जी रूप कुछ और था, आपका अपना रूप है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे लेकर आप चल रहे हैं कि जो विषम परिस्थितियाँ झारखंड में बन गई है उससे यहाँ के लोग निकल पाए। देखिए इन दिनों के पिछले 2006 में जब हमने नई पार्टी बनाई तब से मानवत रूप से हमने यात्रा शुरू की, तो सभी इलाके सभी वर्ग सभी तबकों से मिलते हैं और उन लोगों की समस्याओं को हम समझने की कोशिश भी करते हैं, उनकी मांग क्या है, उनकी चाहत क्या है, उनकी इच्छा क्या है, फिर उस हिसाब से हमने अपने कार्यक्रमों को भी अप्लाई करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कुछ दिन पहले माइनॉरिटी की समस्याओं को लेकर के, खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी उनकी समस्याओं को लेकर के हमने राजभवन के सामने धरना पर भी बैठे थे और फिर हमने मांग पत्र भी उनको दिया। उन मांग पत्रों में हमने उन्हीं मांगों को दर्शाया है जो मुस्लिम माइनॉरिटी जो सरकार से अपेक्षाएं करती है। एक तो उन मुद्दों को लेकर के हमने लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़े भी और लड़ भी रहे हैं,
और उन वर्गों के लोगों को ये भी बता रहे हैं अगर हमें अवसर मिलेगा तो इन समस्याओं का समाधान हम समय सीमा के अंदर हम कर डालेंगे। उसी प्रकार से आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हम दुमका में 2 दिनों तक धरना पर बैठे, मुक्ता ट्राइबल एसटी है, एससी है, पिछड़ा वर्ग के है, खास करके जो बच्चे जो पढ़ते हैं उनके रहने के जो छात्रावास वगैरह उसकी बड़ी दयनीय हालत है। उनके बच्चों के कहीं पीने का पानी नहीं है, कहीं रसोईया नहीं है, कहीं टॉयलेट नहीं है, तो कहीं कुछ है। अरुणाचल में कहेंगे तो पूरे राज्य में स्थिति बद से बदतर है उनके रहने के लिए। तो हमने उसको एड्रेस करने की हमने कोशिश की, तो इस बार सरकार से हमने मांग भी किया, सरकार को पत्र भी हमने लिखा था उन लोगों के मेमोरेंडम के साथ कि भाई इसको आप ठीक कर, इन सारे जगहों को रहने लायक बने जहाँ आदमी रह सके, ये तो हमारे बच्चे हैं, भविष्य हमारे क्रांधार है, अगर इनको हम ठीक प्रकार से जगह नहीं दें, ठीक प्रकार से पढ़ेगी नहीं, तो फिर झारखंड का भविष्य क्या होगा, इनके मन में क्या होगा सरकार के प्रति या राज्य के प्रति देश के प्रति। तो हमने उसको भी एड्रेस करने की हमने कोशिश की है और उनको हमने ये भी बताने का हमने कोशिश किया है कि भाई अगर हमें अवसर मिलेगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं। आज तो हम मांग कर रहे हैं, कल हम उसको धरती पर उतारेंगे। तभी इस वक्त हमने जैसे कहा कि विस्थापितों को लेकर के हम समस्याओं को लेकर घूम रहे हैं, अभी 3 सितंबर को यहाँ सचिवालय का घेराव भी हमने रखा है, तो ये भी बहुत बढ़िया वादी है ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग परियोजना से लोग विस्थापित हुए, उनकी हालत को देखने वाला नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अपने एजेंडा में नहीं लिया, भले वो कहीं पर परियोजना में लोग धरना पर बैठे हो तो चला गया हो, भाषण दे दिया हो, लेकिन पार्टी ने इसको अपना एजेंडा में लेकर के कि भाई ये समस्या इस राज्य की बड़ी समस्या है, पहले भी तरक्की हो चुकी है, खनिज से आगे भी यहाँ तरक्की होने वाली है, अगर उससे पहले कोई हम कवच नहीं बना लेते हैं, हमारा अपना इससे हम अपने विचार को भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम किस प्रकार की झारखंड चाहते हैं, इसके समाधान हम कैसे करेंगे आने वाला कल में। आज तो हम मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो ये भी हम जब चुनाव होगी तो करने वाले हैं कि भाई आप हमको साथ दीजिए, आज तो हम वही कहेंगे क्योंकि आज तो चुनाव भी नहीं, और जनता भी इस बात को देखेगी कि भाई अगर एक पॉलिटिकल पार्टी मांगों को मांग रही है तो कल उनसे हम लोग कह सकते हैं आप तो आकर के इन सारे बातों को भाषण दिए थे, आपके आह्वान पर हम लोग आते भी चले थे, सचिवालय भी दे रहे, ठंडे भी खाए, तो ये एक पॉलिटिकल जिसको कहते हैं मैसेज कर सकते हो कि ये भी मैं दे रहा हूँ, और जो वर्तमान सरकार बैठे उनको भी मैं बता रहा हूँ कि भाई आपकी ये समस्या है इस राज्य की, इन वर्गों की ये समस्या है, इन वर्गों की ये समस्या है, इन वर्गों की ये है, इसको हमें दूर करना, सरकार दूर करेगी तो उनकी जय जयकार होगी, नहीं दूर करेगी तो मेरे साथ लोग जय जयकार करेंगे, इतना ही तो खेल। सर यहाँ की राजनीतिक सत्ता व्यवस्था में इनके नाम उभर कर सामने आता है कि अर्जुन मुंडा जी का, एक बात ये 12 साल के अंदर में देखने को ये आ रही है कि आखिर जब भी यहाँ राजनीतिक संकट आया घूम फिर कर वो सत्ता पर पहुंच जाते मुझे लगता है कि शायद ये बीजेपी की ओर से आता होगा अर्जुन मुंडा, क्योंकि जनता की ओर से नहीं आता है। तो यहाँ पर भी सवाल जनता की ओर से जब अर्जुन मुंडा के आगे तो मेरा कहने का ये आपसे यही था कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर वही क्यों उभर कर जा रही है। और इसलिए मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी हरे हुए चुके हुए पार्टी हो गई, हरे हुए चुके हुए जो लोग होते हैं तो फिर उनके पास और क्या विकल्प क्या करें। मनोज जी सवाल हम जिसमें आपको पूछना भूल गए थे कि जो आप एक बार चर्चा करते थे कि नई व्यवस्था खड़ी करने की हिम्मत दिखानी होगी सोसाइटी में, ये नई व्यवस्था के संदर्भ आप आपके हिसाब से आपके अपने अनुभव के हिसाब से वो क्या हो सकती है वो चीज़ें, जैसे एक बीच में अन्ना हजारे जी ने मूवमेंट चलाया लोकपाल लाने को लेकर और तमाम इस तरह की बातें होगी, तो आपके पास क्या विजय है इन चीज़ों की। नहीं मैं पॉलिटिकल व्यवस्था मैं एक तो करता हूँ कि देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें उस दिशा में बढ़नी चाहिए,
जैसे अमेरिका वगैरह राष्ट्रपति का चुनाव जो जनता की ओर से होता है सीधे, ऐसी होनी चाहिए देश में ताकि वो मजबूत सरकार बने। हम उसका टर्म्स तय करें के लिए बहुत लंबी समय तय, जैसे अमेरिका में 2 साल भी राष्ट्रपति को हो सकते हैं, तो यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का, जिसके ऊपर जो क्या कहते हैं सब कुछ शक्ति नहीं हो, तो करना चाहिए सीधे चुनाव। क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जातीय व्यवस्था के लोग रहते हैं, तो एक व्यवस्था ये भी हो सकता है जैसे क्या कहते हैं सूची पद्धति से चुनाव होता है कई देशों में, जर्मनी वगैरह में। सूची पद्धति में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी को जिस अनुपात में वोट मिलता है उसी अनुपात में अपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में भेजते हैं। क्योंकि अब क्या हो गया कि हम उस पद्धति को भी लागू कर सकते हैं, फिर जो रिजर्वेशन है मान ले जो हमने कहा कि समाज के सभी वर्गों को, तो फिर उसी अनुपात में वो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व करें, अनुपातिक प्रतिनिधित्व हाँ निश्चित रूप से करनी चाहिए। और मैंने ये कहता हूँ कि भाई उसके बाद भी जो वर्गों के प्रतिनिधित्व नहीं हो सके तो देश के जो राष्ट्रपति है फिर उनको उन वर्गों में से चुनने का अधिकार मिला है, जो खास करके जो एकदम माइनॉरिटीज वर्ग, माइनॉरिटी मैंने जिसकी बहुत कम संख्या है, जैसे कैरिमेटिव ट्राइब थी मान लो छोड़े झारखंड में संदर्भ में कार्य, क्योंकि उनको कोई भी पार्टी उनको नहीं खड़ा करता है, पहाड़िया है, बिरौर है, बिरदिया इस टाइप की जो जाति, क्योंकि उनको वोट में कोई महत्व नहीं है। तो अगर उनको कंस्टिट्यूशनली पाकिस्तान इंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का एक अधिकार है यहाँ पर सरकार को, तो ऐसे कुछ अभी भी राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट कर दे, तो जो लोग जिस वर्ग से जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया तो फिर ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व करके हो। फिर हमारे ये जो कानून बनाने का बड़ी अभी क्या हो गया, जैसे मैं आप कहता हूँ फिर आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे तो पढ़ना चाहिए भाई, आप क्या है कि मैं हम सब ये अपेक्षा करते हैं कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो या विधायक है जो लेजिस्लेटिव का वो पार्ट है, कानून बनाने वाली बॉडी है, लेकिन उनसे हम क्या अपेक्षा करते हैं या वो भी क्या करते हैं, सड़क बना रहा है, नली बना रहा है, गली बना रहा है, तो देश क्या होगा ऐसा नहीं। ये काम तो कार्यपालिका है, काम सरकार का है, तो आप तो सब काम में यही लगे हुए हैं। और हम मैं कभी कभी एक दिन एक ऐसी आपके कोई अखबार वाले फोन से शायद नहीं बात कर कुछ समथिंग हमसे पूछा कि साहब आपने क्या किया, मैंने कहा कुछ नहीं किए क्या करेंगे ऐसा, हमारे ये ड्यूटी ही नहीं है, मेरा काम तो सरकार का काम है, मतलब हम भी बताएंगे कि भाई हमने ये सड़क बनाया, सरकार भी बताएगी ये सड़क हमने बनाया तो क्या होगा, बनाया तो सच में सरकार बनाती है, अरे हम लोग क्या करते हैं जनप्रतिनिधि में बहुत होता है तो बताते हैं अरे ये सड़क सबसे इम्पोर्टेंट है बनाने आप चाहिए, लेकिन बनाएगी तो सरकार, लेकिन हम उस डॉग पर खड़ा करते हैं, यार एमपी भी कह रहा है कि हमने बनवाया ये, हमने बनवाया ये, हमने ये किया, भी सरकार करती है अल्टीमेट तो काम, तो हमने कहा कि जो लेजिस्लेचर जो बड़ी है उनको कानून बनाने का काम है तो उसको वहीं तक उसको सीमित रखना चाहिए। कार्यपालिका का काम जैसे आपका जिला परिषद हो गया, पंचायत समिति हो गया, मुखिया हो गया, सरकार हो गई, इनसे आइए इनको काम करेगा, या काय को माथा पीछे करेगा विधायक और सांसद के साथ, सड़क नहीं बन रहा है तो बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है, सुबह से शाम इसी में परेशान है हम लोग, तो सब उल्टा पुल्टा काम चल रहा है तो जो अनाचार के लोकपाल विधेयक की जो बात हो रही है, लोकपाल लाने की जो बात हो रही है, तो क्या लगता है कि लोकपाल लाने से वाकई व्यवस्था बदल जाएगी या जो आमूल परिवर्तन की बात हो रही है वैसा कुछ होने वाला है? देखिए मैं एक बात करता हूँ, थोड़ा बहुत होता है नहीं होता है, हम ऐसे लोकपाल के पत्थर हैं उसके में विरोधी नहीं, लेकिन मैं एक बात और कहा करता हूँ कि भाई देश में न्यायपालिका आज के कार्यपालिका से स्वतंत्र, जहाँ पर पॉलिटिकल कोई हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि बड़े बड़े हमारे प्रभावशाली नेता भी जेल जाना पड़ा बाकी सारे कुछ, लेकिन इसके बाद भी कोई करप्शन में कमी नहीं आई है। मैं इसलिए बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि मेरे उनको सजा देने से मात्र से ये सारे दूर नहीं होने वाली है,
अब बिहार में फॉर्डर एसपीएम हुआ कितनी अवसर सजा के सदर हो गए, रिटायर कर गए बेचारा, आज भी दादर के ठोकरे खड़े, कई लोगों को सजा हुई, कई लोग जेल में है, लालू भी एक दिन अंदर जेल में रहा, आज भी मधुपुरा एंड कंपनी जेल में, कोनी मोजी राजा कल मंडी का उनको लोग जेल में, मैंने जितना जो नाम बाकी और जगह भी कर्नाटक वगैरह में, लेकिन इसके बाद भी बदसूरत नीचे आप इस करप्शन में कमी नहीं दिख रही है, किसी भी राज्य में आप चले जाएंगे हर स्तर पर, कहीं कम कहीं बेसी। लेकिन सर इसमें एक तो सवाल ही, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई ये सिर्फ इससे नहीं होगा, ये तभी होगा कि एक तो आपके शासन में जो मैंने कहा कि मजबूत लोग आना चाहिए, आज की व्यवस्था में ऐसे लोग नहीं आ सकते, जैसे आपने कहा ना कुल मिलाकर के बीजेपी को लगता है कि अर्जुन मुंडा ठीक कर सकता है, क्योंकि ये लोगों से खरीद बिक्री वही कर सकता है, उसके पास पैसा है, पटा सकता है, बना सकता है, फिर उस स्वभाव के हैं, क्योंकि उनका अतीत का वही है जीवन, क्या काम करते थे, अगर उसके अतीत को पढ़ेंगे, यानी पैसा कमाने के लिए ही जो काम कर रहे थे बचपन से बड़े होने के बाद, तो वो लोग आराम से कर सकता है। हम लोग कभी जीवन में ना ठेकेदारी की ना कोई व्यापार की, हम लोग जब स्कूल कॉलेज से निकले तो सामान्य से पॉलिटिक्स में समाज सेवा में आए, तो एक दिमाग में एक प्रकार की चलता है, तो फिर एक सीमा के बाद आदमी का हाथ पैर रुक जाता है कि भैया ये सब नहीं करना है, चलो छोड़ दो, जो करना हो होने दो जो होगा। तो मैं ये कह रहा था कि इस कारण से तो मैं बार बार कहा करता हूँ, अब ये तो अन्ना ने खुद कहा है कि भाई इससे 60-35% तक कम होगा, ये उनका अपना आकलन है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसे समूल नष्ट हो जाएगा, अगर मैं गलत नहीं होता अखबार में मैंने जो पढ़ा है उनके जो बयान बयान आते रहा है, तो उसने कहा कि भाई 60% तक इसमें कम होगा, जब खुद ही वो 40% मानता है कि रहने वाला है। तो इससे अंदाज लगा, जब खुद अपने आकलन करता है तो स्वाभाविक है अपने अच्छा ही आकलन करता है। जी अन्ना हजारे जी लोकपाल बिल की मांग वो कर रहे हैं, वो हमारे देश के आईना संसद से ऊपर की बात है, नहीं संसद से ऊपर और नीचे, मैं तो आज भी कह रहा हूँ ना, जैसे मैंने कहा कि अदालत तो आज स्वतंत्र है, जो सरकार को रोज फटकार लगाती है, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को, कई लोगों को सजा भी दी है, नहीं दिया ऐसे नहीं है, कई लोगों को जेल में भी बंद करके रखे हुए अभी भी, लेकिन क्या है वहां भी देखेंगे हजारों में केस पड़ा हुआ है, लाखों में पूरे देश में अदालत में पड़ा हुआ है, वहां तो कोई भी क्या बोलते हैं मिनिस्टर नेता कोई पैरवी नहीं करता है, हमने तो आज तक कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या डिस्ट्रिक्ट से नीचे का कोर्ट हो किसी को कोई पैरवी करने के लिए भी लोग नहीं बोलता है, और ना हम लोग कभी किसी को कहें कि साल। लेकिन जब इतनी सारे स्वतंत्र बड़ी होने के बाद और इतने सारे लोगों को जेल में डालने के बाद सजा होने के बाद भी करप्शन बदसूरत जारी है, और हमने कहा कि अन्ना हजारे ने भी वो कहा, तो मेरा कहने का अर्थ इतना ही था, इसलिए मैं उस पर बहुत अधिक बल नहीं देता हूँ, मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम अगर ठीक होगा, जैसे मैं लोगों का तो अगर एक थानेदार एक एसपी अच्छे आ जाता है तो जिला में चोर उचक के क्रिमिनल सारे भाग जाते हैं और जनता उनकी बड़ी गुणगान करने लग जाती है कि नहीं साहब अच्छा है, तुरंत शिकायत करिए, तुरंत सुनता है सारे, तुरंत चोर और सब डर से भाग जाते हैं। तो मेरा कहना है देश की राज्य के शासन पर आप ऐसी सरकार बैठने जितने लग जाएगी, तो ये जो 37-40% बोल रहे हैं अन्ना जी भी रह जाएगी, तो मैं कहता हूँ कि ये 5-10% में आ जाएगी, वो भी डर से लोग हमें मुश्किल से लोग लेंगे, जैसे इमरजेंसी में जब इंदिरा जी बड़ी मजबूत थे तो लोग बोलता था सब काम ठीक ठाक होता था, तो मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उतना स्ट्रॉन्ग आप मजबूत जब देश के प्रधानमंत्री होंगे, देश राज्य के जब मुख्यमंत्री होंगे, तो इस व्यवस्था की ओर हमें बहुत करनी थी, मैं ये कह रहा था। पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर सुधार करने की जरूरत है। न्यायपालिका पर भी सवाल उठते रहे, हाल ही में कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि न्यायालय में से ये फैसले खरीदे और खरीदे जाने लगे, अब खरीद बिक्री होता है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन डिले बहुत होता है ये मैं जानता हूँ, और डिले भी मैं समझता हूँ कि न्याय को क्या कहते हैं उसको, तो देश से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर नहीं होता, वही तो मैं कह रहा हूँ।
मेरा एक व्यक्तिगत सर्वेक्षण है एक जेल को लेकर, वहाँ पर मैंने देखा कि 70% लोग जेल में सिर्फ इसलिए बंद हैं क्योंकि उनके पास वकील जो हमारे न्यायिक प्रक्रिया निचली अदालत की उसकी प्रक्रिया झेलने के उसके पास साधन नहीं है पैसे, मतलब कोई पैरवी करने वाला नहीं है तो थाना अफसर की बात तो कर लेते हैं लेकिन थाना अफसर की बात तो भी कर लेते हैं लेकिन आज की न्यायपालिका है एक रिकॉर्ड देखने को आता है कि जज के सामने दिए जाते हैं या पीठ पीछे लिए जाते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक की हत्या से सवाल को उठाता है तो कहाँ उसने निर्दोषी करना था? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन वही तो मैंने बताया ना कि वहां जो न्याय डिले होता है और डिले होना ही क्या शब्द का प्रयोग किए थे? अन्याय के बराबर। सर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निकला है कि सीबीआई न्यायालय के आदेश से या आयकर विभाग जिन कंपनियों की जिन जिन बिंदुओं को लेकर जांच कर रही है और जिस व्यक्ति को लेकर कर रही है, हमें व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, हम ये एक रिसर्च हम लोग भी कर रहे हैं उस पर लेकर कि उन कंपनियों को उन्होंने टच नहीं किया किया था कि जितने भी एमयू हुए वो मुंडा जी के रिजन में और उसमें भी एक जगह भी है एक डेट एक सेम डेट को 9 कंपनियों के हुए सरकार गिरने वाली थी उसी के जस्ट थोड़ा दिन पहले हुआ लेकिन कभी भी यहाँ की राजनीतिक पार्टी या आम आदमी आज आम आदमी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जन ही प्यार लोट होती है कभी इस पर कोई सवाल नहीं था। नहीं एमओयू सब तो हम लोग बोलते लेकिन एमओयू जो कि कोई ये नहीं है ना उनके लिए देखिए एमओयू का पहले पर्पज समझना चाहिए कि एमओयू क्या है। एक तो कंपनी एमओयू करती है कि अपनी मार्केट वैल्यू को बढ़ाने के लिए। अगर आप जो जो कंपनी शेयर लगाती है शेयर बेचती है तो उनको देखेंगे जब उन्होंने एमओयू साइन किया और कोई खदान के लिए लोहा या कोयला के लिए आवेदन दिया तो उनका शेयर बढ़ा। लेकिन एमओयू के साथ में जो सरकार को एक बॉन्डेड नहीं है कि उनको देना ही सरकार को पड़ेगा, ये तो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ठीक है हम यहाँ निवेश करना चाहते हैं तो हम कह रहे क्या पाइए आपको मैं खदान दूंगा आपको मैं जमीन दूंगा। उस पर तो हम लोग इन जनरल बोलते हैं लेकिन उस पर कोई बहुत मतलब तात्विक जिसको कहते हैं ना विरोध का कोई आधार नहीं बनता है उस पर हमारे लिए अभी तक जो मेरी अपनी समझ है। रांची हाई कोर्ट में जो तथ्य रखे गए हैं चाहे एक दिन में 10 भी साइन कर सकता है एक दिन में 5 भी कर सकता है उसका कोई क्या वैल्यू कल हम उनको नहीं भी दे सकते कोई जरूरी नहीं कि हमको बॉन्डेड नहीं कर सकते आपने मेरे साथ एमओयू किया आपको देना ही पड़ेगा। पैसा जहाँ तक रहा वो तो ऐसे ही नजराना क्या करते उसको गिफ्ट कहिए उपहार कहिए सेठ लोग दे देते हैं नेताओं को ये मंत्रियों को मुख्यमंत्री को कि चलो भाई इस प्रत्याशा में कहते हैं जैसे कोई रुमाल रख देता है। हमको याद है कि एक बार कलकत्ता से एक अभी पता नहीं होता है कि नहीं होता है उस जमाने के उनको याद तो ट्रेन में वो जो पुलिस लोग होते थे ना गमछा रख देता था आपको सीट चाहिए था आपको पैसा आपसे तय कर लेता था और फिर आपको वो बिठाता था निकला है तो पहले नहीं देखा था
तो एक प्रकार से समझिए एमओयू भी वही है, सरकार ने कहा कि आप जो नए मकान की है फिर आपको सीट मिल जाएगी, तो वही वहाँ जो पैसेंजर क्या होता है ना वो लोग पुलिस का, वो जरूरी नहीं आपको सीट दे ही देगा, नहीं दे पाए तो आपसे पैसा हमको दिया था क्या दिल्ली से आ रहे थे 100 रुपये एक कुली को अच्छी को दिए थे वो जी लड़के लोग रहता है दिल्ली में नहीं तो जी बैठने नहीं देता देने तो आराम से बैठा, अगर उसमें से आप डिटेल दीजिएगा तो फिर हम लोग उस पर निकाल लेंगे। उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने जैसे MOU साइन किया उनको उन्होंने क्या क्या दिया सरकार ने दी तो, हाँ जी उन्होंने दिया और जिन जिन कंपनियों को दिया तो मधु कोड़ा उसको क्या किए कि कुछ अपना इनका क्या था नहीं था कोई डीलिंग पर्सनल डीलिंग नहीं हो पाई या हो पाई उनकी बात है, इन्होंने उस उसमें 9 कंपनियों को रद्द कर दिया, रद्द नहीं कर दिया अनापत्ति में कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट से मंगा कर, इसके विरोध में वो 9 कंपनियां रांची हाईकोर्ट गई, यहाँ से जी राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट गई और पिछले पखवाड़े सुप्रीम कोर्ट ने भी उन कंपनियों को मुख्यमंत्री ने ही उसको जो अर्जुन मुंडा इस समय है वही एक डेट वाली जी का एक ही डेट को आवंटित हुई थी। हाँ फिर शिबू सोरेन ने वो सारे माइंस को जब ये सीएम बने तो इन लोगों ने दे दिया थे लोगों को, फिर जब अर्जुन मुंडा बने तब हमको लगता है कि लोगों को समझ में आ गया है कि ये शिक्षा लेदर हो जाएगी, तो लोगों ने फिर विड्रॉ कर लिया यहाँ अपना, तो फिर ये उद्यमी और लोग सरकार इसलिए विड्रॉ किया उसके तथ्य तो ये है, इन लोगों को समझ में आया कि कोर्ट से ये लोग जीत जाएगा और हम लोग भी बच जाएंगे, मैंने बच जाएंगे मैंने जनता के बीच में बच जाएगा, कोर्ट निर्णय दे देगी ये लोग पैसा वाला है सब मैनेज कर लेगा, उसमें 2-in-1 खेल जब चलता है तो हाईकोर्ट ने भी राहत नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट गया वहाँ भी खारिज कर दिया कि भाई आपको जो पब्लिक पर्पज के लिए जो चिन्हित है ब्लॉक उसको आप नहीं दे सकते। झारखंड में इतना MOU क्यों हुआ, आज अगर आपने अखबार में लिखा होगा आज या कल, जैसे 76 कोल ब्लॉक में से 60 कोल ब्लॉक झारखंड में, ठीक है ना, तो जो लोग भी झारखंड में आए होंगे वो 60 के साथ यहाँ MOU किया होगा, क्योंकि कोयला निकालेंगे कि हम क्या करते हैं ये प्लांट पावर प्लांट लगाएंगे कुछ लगाएंगे या स्टील प्लांट लगाएंगे वगैरह वगैरह, तो ये सारे काम इसके नहीं आज अखबार में हम देख रहे थे कुछ कंपनी है। तो जी एक सवाल उभर आया कि एजी 2G घोटाले में ए राजा के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला उसमें उनके रीजन में जो जो कंपनियों को आवंटन किया गया था वो रद्द कर दिया गया, मधु कोड़ा जी के रीजन में गलतियाँ हुई लूट हुआ इन्होंने की लूटा ये लगे जांच का विषय है, लेकिन इनके राज्य में जो भी जिन जिन कंपनियों के बारे में आरोप प्रत्यारोप लगाए गए एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई। देखिए इसमें वही बोला ना एक चीज है, एक तो इनके जी मान रहे इन्होंने खदान तो बहुत नहीं मिला लोगों को, क्या करते हैं यहाँ से रिकमेंडेशन होता है आयलेटॉर का खदान है या फिर कोयला का है जो भी रिकमेंडेशन हुआ करके तो देखती है, उसमें भारत सरकार भी एक पार्टनर है, तो इसलिए हम बोले ना कि ये कई कारण से ना बीजेपी बोलती है ना कांग्रेस बोलती है, अब व्यापारी कॉमन है तो जिसकी भी सरकार बनती है वो सबके यहाँ